Hello everybody, a warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy. I hope everybody is doing fine, everyone is healthy. Okay, so let me confirm once whether I am audible or not, then we will start our session, right? Okay, great. Yeah, so first I would like to mention you about myself, a brief introduction. So this is my profile. My name is Surbhi and I am a doctorate student at IIT Guwahati. I have qualified CSIR NET in June 2019. And I have qualified GATE in 2019 and in 2020. Okay, now coming to the next point, that is the Unacademy subscription. अब देखो Unacademy के बारे में कुछ चीजें जो है वो आपको जाननी चाहिए. That is, it is the platform that is providing you with large number of live classes. लाइव क्लासेस में आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो बेटर तरीके से, अपने डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो. ये सारे बेनिफिट्स एक लाइव क्लास में आपको मिल जाएंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स, आप यहाँ पे अपने डाउट्स पूछने के अलावा डिफरेंट टेस्ट सीरीज और क्विजेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना. ये क्विजेज और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, यू विल लाइक हैव अ एनवायरमेंट जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करोगे, दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग एज कंपेरिजन टू द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके साथ सेम एग्जाम में बैठने वाले हैं. तो आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करोगे, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, वो सारी परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी जो है वो आप बार बार टेस्ट और क्विजेस दे के कर सकते हो. ठीक. एंड वन मोर थिंग इज देयर, इन दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट अ वेल स्ट्रक्चर्ड वेल डिजाइन कोर्स. जैसे कि आपके CSIR UGC नेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पूरा यहाँ पे क्या किया जाता है, कवर कराया जाता है. आपको दो चार प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारे के सारे सिलेबस को कवर कराया जाता है इन प्लस कोर्सेज के थ्रू. एंड वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज यू विल गेट एन अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट ऑफ द Unacademy, वेदर इट इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियो, वेदर इट इज़ अ लाइव वीडियो, आपको उन सबका एक्सेस मिलेगा, है ना. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द फ्री क्लासेस. अब देखो ये होती है फ्री क्लासेस, ये आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. वेदर यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर, वेदर यू आर अ नॉन प्लस सब्सक्राइबर, इन सारे केसेस में आपको ये फ्री लाइव क्लासेस जो कि स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में आती हैं, ये आपको बेनिफिशियल होंगी, ये सबको मिलेगी. आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अगर अटेंड करनी है ऑन दिस Unacademy प्लेटफॉर्म, यू कैन गो एंड वॉच माई लेक्चर्स ऑल्सो. वहाँ पे आपको मेरे प्रोफाइल को सर्च करना होगा Unacademy के सेक्शन में जाके, CSIR UGC नेट जब आप गोल सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको मेरा प्रोफाइल वहाँ मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके मुझे मेरे स्पेशल लेक्चर्स को देख सकते हो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आपको स्पेशल लेक्चर्स अच्छे लगे और आप चाहते हो कि आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है वो चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड वे में क्या हो, Unacademy के साथ हो, तो फिर उसके लिए आपको Unacademy के कोर्सेज को सब्सक्राइब करने होंगे. And these are the different courses that are available for a CSIR UGC NET pilot. And if you are going to take the subscription, तो अगर आपको 10% का discount avail करना है, तो you can use my referral code, that is Surbhi01. And this referral code will provide you with a 10% discount. And इसके साथ, let's say आपका जो 12 months का plan है, वो आपका पड़ जाएगा 10,395. So this is all introduction, brief introduction about the Unacademy. And now we will going to start our today's topic of discussion, that is molecular markers. अब देखो molecular markers होते क्या हैं? So they are certain kind of gene or any kind of genetic sequences whose locations is known within a chromosome. ठीक है, हमें पता होता है कि ये particular chromosome पे कुछ स्पेसिफिक जीन्स के लोकेशन कहाँ हैं. ठीक है, जैसे कि यू नो देर आर लाइक, आप किसी एड्रेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, देर आर सर्टेन लैंडमार्क्स. ठीक है, कि इस लैंडमार्क तक चले जाओगे तो फिर आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे. तो सिमिलरली दीज मॉलिकुलर मार्कर्स आर नथिंग बट लैंडमार्क्स. ठीक है,
तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ दीज लैंडमार्क्स आप क्या करते हो, डिफरेंट जीन के पोजीशंस को रिलोकेट करते हो, है ना। विद द हेल्प ऑफ दीज लैंडमार्क्स यू आर गोइंग टू रिलोकेट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट जीन्स। सो दीज आर द जीन जीन सीक्वेंसेस और डीएनएस विद अ नोन लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल एंड स्पेसीज स्पेसिफिक जीन। सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट द टारगेट जीन देमसेल्व्स बट एक्ट एज अ साइन और फ्लैग। दीज डीएनए मार्कर्स आर नॉट द टारगेट जीन देमसेल्व्स। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके टारगेट जीन को आइडेंटिफिकेशन कराने में हेल्प करते हैं। वो उनको एक साइन देते हैं, एक सिग्नल देते हैं कि आपका टारगेट जीन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द मार्कर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू योर जीन्स एंड दे आर रेफर टू एज टैग्स। ये आपके जीन के साथ क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑफन टैग बोलेंगे। एंड सच मार्कर्स डू नॉट देमसेल्फ विल अफेक्ट द फिनोटाइप और एनी काइंड ऑफ ट्रेट टू द एसोसिएशन विद दिस जीन बट दे विल सिंपली प्रेजेंट नियर टू दैट जीन विदाउट शोइंग एनी काइंड ऑफ इंफ्लुएंस ऑन द अपियरेंसेज और एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन। वो सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए एज अ सिंपल टैग काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, इनको ही हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स वी कैन हैव। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स पे जाएं लाइक इन द 18th सेंचुरी और इन द लेट 19th और 19th अर्ली सेंचुरी यू हैव ट्रेडिशनल बायोमार्कर्स एज द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। तो मेनली दीज आर द एलोजाइम्स दैट द सेम कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स दैट आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स। सो दीज कैन बी एलोजाइम्स एंड एलोजाइम्स आर द बायोकेमिकल मार्कर्स। दीज आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज योर मार्कर्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द नॉन पीसीआर बेस्ड मेथड। ठीक है, इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, दो टेक्निक्स आते हैं मेनली, द RFLP एंड द मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट SSR एंड VNTR। सो दीज आर द नॉन PCR बेस्ड मेथड बिकॉज इनमें क्या होता है PCR एम्पलीफिकेशन स्टेप नहीं होता है। एंड अनदर वन दैट इज माइक्रो सैटेलाइट RAPD AFLP देन देर इज SCAR देर इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म दीज ऑल आर योर PCR बेस्ड मेथड। तो हम आज तीन या चार टेक्निक्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं दैट हाउ दे आर गोइंग टू शो स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन। The first technique we are going to discuss is the RFFP, that is restriction fragment length polymorphism. So इसमें हम क्या करते हैं, ये सिंपल सा मेथड है। आप यहाँ पे जीनोमिक डीएनए लोगे, जीनोमिक डीएनए को लेट से आप क्या कर रहे हो, ये आपका जीनोमिक डीएनए है, आप इसमें क्या करोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करवा दोगे। तो इस एंजाइम के स्पेसिफिक जहाँ पे भी साइट्स होंगे वहाँ पे ये एंजाइम जाके क्या करेगा, क्लीवेज इंड्यूस कर देगा। And with these kind of cleavages, you will get a large number of fragments. 1, 2, 3, 4. आपको बहुत सारे fragments मिलेंगे. Now these DNA fragments are separated by the process of electrophoresis, and after the process of separation, they will transfer to the nitrocellulose membrane. And now what will you do? Now you will expose that nylon membrane to a phosphate labeled probe. ठीक है, आपको let's say presence करना है, let's say these all are the fragments you are getting. आपको चेक करना है कि let's say there is a gene that is X gene. आपको इसके location को पता करना है कि whether this X gene is located within this particular genome or not. Now you will design a oligonucleotide probe that is specific to this particular gene and now you will add a phosphate radio labeled molecule to this probe. And once you will add this probe and allow the hybridization process, तो जहाँ पे भी आपका ये target gene होगा उस fragment में जाके ये radio labeled probe bind कर लेगा by the process of hybridization. And now once you expose that hybridized nylon membrane to the X-ray film, you will get a radio labeled band. So यहाँ से हम क्या predict कर सकते हैं that the variation in the length of the DNA fragments produced by specific restriction endonucleases from genomic DNAs of two or more individual will vary. यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो restriction fragment length polymorphism के लड़ा हमें जो fragments मिलते हैं
लेट्स से दिस इज द पर्सन ए, दिस इज द पर्सन बी, इन दोनों के जो आर एफ एल पी फ्रेगमेंट्स होंगे वो दोनों हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सीक्वेंसेस एट स्पेसिफिक लोकेशंस. एंड बाय डूइंग दिस आर एफ एल पी एनालिसिस यू कैन प्रेडिक्ट वेदर द टू पर्सन्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स, वेदर दे आर आइडेंटिकल्स और वेदर दे आर सम काइंड ऑफ रिलेशंस इन बिटवीन देम. तो इनसे हम ये पता कर सकते हैं. सो दिस इज अ कंप्लीट ओवरफ्लो ऑफ द प्रोसेस. तो फर्स्ट स्टेप इज द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट प्रिपरेशन वेयर यू टेक योर डीएनए फ्रेगमेंट एंड ऐड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. नाउ नेक्स्ट आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन यू विल सेपरेट दीज थ्री ट्यूब्स इन अ सेपरेट लेन. फिर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करा दोगे. ठीक है. नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस नाउ यू विल गेट अ जेल. इस जेल के बैंड्स को हम क्या करेंगे, एक नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग. सो इट विल गेट ट्रांसफर्ड हियर. नाउ ऑन द ब्लॉटिंग पेपर वी विल ऐड डीएनए प्रोब्स दैट हैज बीन रेडियो लेबल्ड विद फॉस्फोरस 32. एंड नाउ दीज रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स विल गो एंड बाइंड टू देयर स्पेसिफिक लोकेशंस. एंड व्हेन वी इरेडिएट दीज फिल्म्स विद द एक्सरे तो आपको क्या मिलेंगे, रेडियो लेबल्ड बैंड्स आपको मिलेंगे. एंड नाउ फ्रॉम दीज बैंड्स यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड. व्हेन यू सी द बैंड्स दिस बैंड एंड दिस बैंड, ये जो तीन बैंड्स हो रहे हैं पर्सन वन और पर्सन टू के, ये बिल्कुल ही क्या है, सिमिलर है. एंड द थर्ड पर्सन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर एफ एल पी अरेंजमेंट. सो वी कैन से दैट पर्सन वन एंड टू these are closely related because their RFLP patterns are same, or we can say that they are identical twins, या फिर ये same individual का ही है. और person 3 जो है वो क्या है, इन दोनों से totally different है. तो by the analysis of the RFLP fragments we can say that whether two persons are identical, whether they are different, and how much identity is there. So if two individuals differ by as little as single nucleotide in the restriction site, the restriction enzyme will cut the DNA of one but not to the other. देखो यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी अगर डिफरेंस होगा तो लेट्स से दिस इज अ डीएनए वन, दिस इज अ डीएनए टू. लेट्स से यहाँ पे एक ए की जगह इसमें क्या हो गया, एक टी हो गया. तो लेट्स से दिस इज अ पर्टिकुलर साइट जहाँ पे आपका जी ए ए टी टी सी है, बट यहाँ पे अभी क्या हो गया, जी ए टी 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 सी. This A is substituted by T. So there is a single nucleotide polymorphism. Now the enzyme EcoR1, when you will use this enzyme, तो इस साइट को वो रिकोगनाइज करके क्लीवेज करेगा, आपको दो बैंड्स मिलेंगे. But this particular DNA sequence, due to this mutation of T, ये यहाँ पे कटिंग नहीं हुई. And in this case, you will get a single fragment. So thus, even a single nucleotide difference in a individuals, like if two individuals are differ only by single nucleotide differ karte hain in dono mein, to wahan pe restriction digestion ka pattern differ karega because restriction site will differ, and that's why you will get different fragments. And in this method you can easily identify how the two individuals are being differed. So the hybridization method which we are using, that is abhi humne jo discuss kiya wo kya tha, wahan pe hum फॉस्फोर 32 हाइड्रोजन वाले जो मॉलिक्यूल्स थे, लेबल थे, वो ऐड कर रहे थे. जहाँ पे हमने एटीपी जो यूनिट होती है उसको हमने क्या किया, जो फॉस्फेट यूनिट होती है गामा फॉस्फेट, उसको हमने रेडियो लेबल दिया है. बट यू कैन ऑल्सो यूज अनदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जहाँ पे क्या करोगे, आप नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट लोगे, रेडियो एक्टिविटी नहीं लोगे. वहाँ पे आप क्या करोगे, जो प्रोब यूज करोगे उसमें सर्टन काइंड ऑफ एंजाइम्स लिंक होंगे, एंड दोज एंजाइम्स विल शो आइदर अ कलरफुल प्रोडक्ट और सम काइंड ऑफ chemiluminescence property. So the hybridization will result and the detection will depend, like you can use a radio labeled probe or you can use a enzyme labeled probe. Okay, and it is a non PCR based method because yahan pe dekho humne kahin pe PCR ke technique ko kya kara, humne kahin pe bhi use nahi kiya. Clear? Any doubt regarding this particular topic?
Done? This technique is done, that is RFLP. Now we are going to discuss the second technique, that is your RAPD. Okay? If you have any doubt, you can write it down in the comment section. Okay? If you have any doubt regarding this AFLP thing, you can ask it in the comment section. Okay? Next is the RAPD. So this RAPD is a PCR based technique. First point is, it is a PCR based technique. And any DNA segment that is amplified using a short oligonucleotide primer, and then we will use the PCR amplification. So iska main principle kya hai? In this case, we are using a short RNA primer. Yahan pe hum ek short primer use karte hain. इसका सीक्वेंस बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं होता है. इट इज़ अ आर्बिट्ररी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट वी आर यूजिंग एज अ प्राइमर, एंड आफ्टर दिस प्राइमर गेट अनील्ड यू विल परफॉर्म द पीसीआर मैकेनिज्म. सो दिस प्रोसेस विल डिटेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म इन अ डीएनए व्हिच इज बेस्ड अपॉन द एम्प्लीफिकेशन बेस्ड एसे यूजिंग अ प्राइमर दैट इज having a arbitrary or non-specific nucleotide sequence. So यही इसका main aim होता है कि in case of RAPD you are using the PCR amplification, but जो आप primers use करते हो, these primers are non-specific. मतलब यहाँ पे आप कोई भी random primer use करके किसी भी genome का amplification करवाओ, and depending upon the bands and the amplified products you are getting, you can analyze the how the two organisms are related and why, what are the different genes that are being present. Okay, so in this reaction, a single species of primer will bind to the genomic DNA at two different sites on the opposite strands on the DNA template. So depending upon how the arbitrary primers are binding to the site, you will get your result. If these priming sites are within an amplifiable distance of each other, a discrete DNA product is produced. Okay, now see, this is how the reaction goes. The polymorphism between the individuals result from the sequences differences in one or both primer binding site. अब देखो, ये है क्या है आपका, ये एक individual one है, ये एक individual two है, तो आप इसको कैसे differentiate करोगे? So let's say you are using one set of arbitrary primer, ये आपने primer को यहाँ पे add कर दिया. Individual A में let's say this primer will go and bind at four different sites. This is 1, 2, 3 and 4. ये चार site पे bind करेगा. एंड दो साइड पे जो इनकी बाइंडिंग होगी वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होगी और प्रॉपर डिस्टेंस पे होगी. सो नाउ दीज टू प्राइमर एनीलिंग पार्ट विल फॉर्म अ पीसीआर एम्पलीफाइड प्रोडक्ट. ये आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बट इन केस ऑफ सेकंड इंडिविजुअल, दिस प्राइमर विल एनील एट थ्री डिफरेंट लोकेशन. दिस इज द 1, 2 एंड 3. एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस, इस रीजन पे यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो रही है, बिकॉज this person too has certain kind of variations in the gene at this particular site. So if you are getting only one kind of PCR amplified product, then aap bol sakte ho ki is person A or person B ke gene mein kya hai, thoda sa difference hai, and that's why you are not getting the second amplified product, because the second set of primers are not binding to their specific sites. So in variety A there are four primer binding sites resulting in two products. While in B, we will lack one of the binding sites that is resulting in only one of the RAPD marker product. And that's how you can predict. Agar dono mein do do hote, to these two individuals are somewhat similar. But yahan pe ek mein do products aa rahe, ek mein ek hi product aa raha hai. So then we can see that this person B has certain kind of differences in its genome as compared to the person 1. And this is the basic phenomena of your RAPD. Okay? Now this like treatment or this process of RAPD will depend upon certain factors. पहला factors है कि आप जो primers use कर रहे हो तो वो primers जाके क्या होने चाहिए, proper orientation में align होने चाहिए. मतलब कि
दोनों प्राइमर्स क्या होने चाहिए, थ्री प्राइम एंड्स पे अलाइन होने चाहिए. तो सी दिस इज द केस, यहाँ पे बोथ द प्राइमर्स आर अलाइन्ड इन द फाइव प्राइम एंड इन द सेम स्ट्रैंड. सो दिस पार्टिकुलर प्राइमर सेट विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट. सो प्राइमर्स दैट आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दोज विच आर नॉट इन द प्रॉपर ऑरिएंटेशन लाइक दिस टू प्राइमर्स विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट. Similarly, these two primers, they will not get any product. Okay? And similarly, these two primers, they will not yield any product. So, although they are getting annealed at a specific site, but due to improper orientation, they are not giving the PCR amplified product. Second reason jo aapko milega, the primers will anneal, but they will anneal at a very far distance. Matlab kya hai yahan pe? ये जो प्राइमर, एक प्राइमर यहाँ अनील हुआ और इसका जो दूसरा प्राइमर अनील होगा वो बहुत ही दूर डिस्टेंस पे होगा. इनके बीच की अगर डिस्टेंस जो है वो 2000 बेस पेयर से ज़्यादा हो जाएगी देन दिस पार्टिकुलर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड. अगर कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में देन दिस एम्प्लीफिकेशन विल हैपन. बट दिस एम्प्लीफिकेशन जहाँ पर डिस्टेंस जो है देखो ये मोर देन 2000 बेसिस के है तो वो क्या होगा, एम्प्लीफाइड नहीं होगा. दस आपके जो प्राइमर है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो प्रॉपर ऑरिएंटेशन में अलाइन होने चाहिए एंड अगर प्रॉपर ऑरिएंटेशन में अलाइन हो रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए. 200 बेसिस से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लीफाइड नहीं होगा. सो दीज आर द टू कॉन्स्टेंट्स दैट नीड टू बी मेंटेन्ड व्हाइल टेकिंग द पीसीआर एम्प्लीफिकेशन प्रोडक्ट्स. So the primers which get aligned at proper orientation and the distance between these two primer set is sum out around 100 to 1500 bases, these primer sets will result in the amplified product. The primers that are placed at right distance and are in proper orientation will form a amplified product. So this is about the next thing. Clear? RAPD is clear. Now we'll study the AFLP thing. Before that, let me see. अगर किसी को कुछ doubt है तो बोलो. If you have any doubt in the RAPD and in the RFLP, दोनों techniques में अगर किसी को कुछ doubt है तो you can ask. Okay, then start करते हैं next topic. Next topic that is AFLP. So AFLP is the amplified fragment length polymorphism and this technique is a combination of your RFLP analysis and PCR technology. मतलब यहाँ पे आप restriction digestion कराते हो and followed by the PCR amplification. तो ये process कैसे होता है, चलो देखते हैं. First step is the total genomic DNA is digested using a pair of restriction enzyme. सबसे पहले आप क्या करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करोगे एंड फॉलोड बाय दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन यू विल ऐड एडिप्टर्स ऑफ नोन सीक्वेंस एंड देन लाइगेट टू द डीएनए फ्रैगमेंट. पहले आप डाइजेशन करके देन ऐड करोगे एडिप्टर मॉलिक्यूल्स. एडिप्टर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो ये लाइगेटेड फ्रैगमेंट से जाके बाइंड कर जाएंगे एंड इन एडिप्टर मॉलिक्यूल्स को इनको आपने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया है तो इनके सीक्वेंसेस आपको क्या होंगे, पता होंगे. नाउ प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एडेप्टर्स आर यूज टू एम्पलीफाई द रिस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट्स. नेक्स्ट स्टेप इज द पीसीआर एम्पलीफिकेशन और यहाँ पे जो आप प्राइमर सेट यूज करते हो दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू योर एडेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड नेक्स्ट द पीसीआर एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाई द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आफ्टर दैट योर बैंडिंग पैटर्न इज विजुअलाइज. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस मूव्स. दिस इज योर डीएनए. यहाँ पे क्या करा आपने, ये स्पेसिफिक रीजंस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंटेशन करा दिया जहाँ जहाँ पे स्पेसिफिक साइट्स होंगे एंड यू विल गेट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स. नाउ यू विल ऐड द एडेप्टर मॉलिक्यूल. ठीक है, ये एडेप्टर मॉलिक्यूल्स जो आपको येलो येलो कलर के दिख रहे हैं दीज आर द एडेप्टर मॉलिक्यूल्स. नाउ दीज एडेप्टर मॉलिक्यूल्स विल गो एंड बाइंड एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल यूज द प्राइमर्स एंड दीज प्राइमर्स आर स्पेसिफिक टू द एडेप्टर मॉलिक्यूल्स एंड यहाँ पे ये जाके बाइंड करेंगे
and after binding to these regions, they will initiate the amplification of the fragmented region. Or फिर आप उसका analysis कर पाओगे by the agarose gel electrophoresis. This is the process of your AFLP, जहाँ पे आपने क्या किया, पहले restriction digestion किया and then followed by the process of PCR amplification. ठीक है, clear? Okay. Now next technique that is important for your molecular marker topic, and it is the SSR or microsatellites. ठीक है, microsatellite और SSRs क्या होते हैं? These are specific repetitive sequences. ठीक है, ये generally within the telomeres या फिर centromeric regions में present होते हैं, and these are the specific repeat sequences that are generally 100 to 1000 times. They are generally 10 to 100 times repeated. There are 2 to 4 nucleotide sequences जो कि 100 up to 100 times तक repeated होते हैं. And different organism में जो इनके number of repeats होते हैं वो differ करते हैं. इनके number of repeats किसी में 50 होगा, किसी में 60 होगा, किसी में 70 होगा, ये differ करता है. So this is the polymorphism. Polymorphism in with respect to the number of repeats. Okay. So this is also a PCR based method where we are using a 18 to 25 base pair marker, and it is polymorphism is based upon the number of repeats. जैसा अभी हमने बोला किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 number of repeats होंगे, and यही create करेगा polymorphism. And this is a very stable technique and it is providing you with good reproducibility. Okay, and in this technique we are like, let's say this is your microsatellite region, and we will targeting this microsatellite by using primers against the regions that are flanking to these microsatellite. So with the abundance of PCR technology, we will design the primers that will flank the microsatellite. Hum is microsatellite ke flanking regions ke against primer design karke fir simple amplification karwa ke hum study kar sakte hain ki दो, लेट्स से दो पर्सन है, इंडिविजुअल वन और इंडिविजुअल टू, इन दोनों के माइक्रोसैटेलाइट के अगेंस्ट हमने एम्पलीफिकेशन करवाया, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग, वी कैन प्रेडिक्ट दैट वेदर दीज टू इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ माइक्रोसैटेलाइट पैटर्न और डिफरेंट. ठीक है, तो सिंपल इट इज अ टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन. तो दिस इज द लाइक रिप्रेजेंटेशन. तो ये आपका क्या बोल रहा है, ये है आपका एक SSLP polymorphism test. ये है आपका PCR आपने परफॉर्म किया, ये दिस इज योर माइक्रोसैटेलाइट रीजन, इसके फ्लैंकिंग रीजन के अगेंस्ट आपने प्राइमर यूज करके PCR एम्पलीफिकेशन करवा दिया, एंड आफ्टर दिस PCR एम्पलीफिकेशन आपने जेल को रन किया. सो द रीजन सराउंडिंग द SSLP इज एम्पलीफाइड एंड द प्रोडक्ट लेबल्ड ऑन द लेन ए ऑफ द एग्रोज जेल. यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को लोड किया. द लेन बी कंटेन द मार्कर, बी में मार्कर है. Now the band in the lane A is the same size as the larger of the two DNA band. यहाँ पे देखो ये जो band है, ये वाला band A जो आ रहा है वो similar है इस band के specific जो कि ladder में है. And now ये for person वन आपने same ऐसा किया. Now एक second person के लिए same आप experiment perform करो. यहाँ पे B है, यहाँ पे ladder है, और let's say यहाँ पे भी second person का भी क्या है, band यही आ रहा है. Then you can say that the microsatellite of the person A और दूसरे जेल में जो आपने person लेट से D के साथ रन किया है, सेम D लैडर को और सेम बैंड्स आ रहे, देन यू कैन से दैट पर्सन ए एंड डी आर क्लोजली रिलेटेड, है ना. अब आप बोल सकते हो कि ये जो पर्सन ए है और पर्सन डी है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है. ओके, सो दस बाई दीज टेक्निक्स, जैसे कि हम फिर से एक बार देखें, तो फर्स्ट टेक्निक हमारा क्या था, RFLP था. ठीक है, तो RFLP को यूज करके हमने क्या करा, सिंपल रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया. रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके आपने उसको सेपरेट कर लिया, एंड बाय विजुअलाइजिंग लेट से हमने क्या करा, हमारे पास चार डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं A, B, C, D. इन चारों के जीनोम को हमने क्या किया, फ्रैगमेंट करके देखा. ठीक है, सो दीज आर द बैंड्स विच वी आर गेटिंग. तो यहां से अगर हमको प्रेडिक्ट करना हो कि हाउ ऑल दीज पर्सन्स आर सिमिलर, ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे. यहां पे अगर आपको बताना हो कि कौन से पर्सन किसके साथ सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं,
तो हाउ यू कैन प्रिडिक्ट दैट? टू सी ये बैंड्स देख के आपको क्या लग रहा है, जो ए का बैंड है और जो डी का बैंड है वो दोनों क्या है, सबसे ज्यादा सिमिलर है, ठीक है? एंड नाउ यू कैन सी जो सी का बैंड है वो ए से सिमिलर है बट इस एक पार्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है, मतलब इस पोजीशन पे क्या है, देयर इज सर्टन काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, सर्टन काइंड ऑफ म्यूटेशन, एंड दैट्स वाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन नहीं हुआ है एंड यू आर नॉट गेटिंग द पार्टिकुलर बैंड. So you can say A and D are completely identical to each other because their restriction fragment length polymorphism analysis is showing similar kind of bands. So ये दोनों person क्या है, बिल्कुल ही similar है. But A और C जो है वो similar है but identical नहीं है. They have some kind of similarity but at position 4 the C individual has undergo certain kind of polymorphism and due to this reason यहाँ पे इसके specific आपको band नहीं मिल रहा है. So you can say A, D and C, they are similar but not identical. And similarly, अगर आप A और B के band को देखो तो उसमें क्या था, उसमें सिर्फ दो reasons में similarity था. तो यहाँ पे जो level of similarity है वो बहुत कम है. तो by visualizing और by doing this RFLP pattern and this RFAD, these kind of experiments, आप क्या करते हो, आप रिलेशन, लेट्स से यू आर स्टडी द रिलेशन और यू आर स्टडिंग द सिमिलैरिटी पैटर्न बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स. सो जिसके बैंड सबसे ज्यादा सिमिलर होंगे वो क्या होंगे, या तो सेम इंडिविजुअल हो जाएंगे या फिर दे कैन बी मोनोसाइगोटिक ट्विन्स, और जो अलग अलग होंगे वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे. सिमिलरली वी हैव स्टडीड अनदर टेक्निक दैट इज RAPD. यहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास एक जीनोम है, आपके पास दूसरा जीनोम है. So in this technique, in this RAPD technique, आप क्या करते हो, let's see once again. Okay, so this is the RAPD. यहाँ पे आप क्या करोगे, एक वेरिएबल A है, एक वेरिएबल 2 है. इन केसेस में आप आर्बिट्ररी प्राइमर सेट्स यूज करते हो और ये दोनों फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई करवाओगे. तो लेट्स से पर्सन ए के लिए आपके पास दो बैंड आया, पर्सन बी के लिए आपके पास एक ही बैंड आया. तो यू कैन से दैट इन दोनों के केसेस में क्या है, देयर इज सम डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई द सेकेंड एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल बी. मतलब कि यहाँ पे जो प्राइमर बाइंडिंग साइट है, इस केस में देयर इज सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, सम काइंड ऑफ म्यूटेशन, सम काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड दैट्स व्हाई पर्सन बी इज नॉट म्यूटेटिंग दिस पार्टिकुलर रीजन. और ये आपका क्या करेगा, पॉलीमॉर्फिज्म क्रिएट कर रहा है ना. ओके फाइन, इज इट क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट हमारे जो टैरो टेक्निक्स आज हमने पढ़े उनके बीच में क्या है, एक कंपैरिजन टेबल है. तो ये देखो, इन दिस केस ऑफ RFLP, सिंस इट इज अ नॉन PCR बेस्ड मेथड, तो यहाँ पे जो आप इनिशियल DNA रिक्वायर्ड होगा वो हायर अमाउंट में होगा. तो अगर आपके पास कम सैंपल है ड्यूरिंग द इनिशियल रिएक्शन तो यू कैन नॉट गो फॉर दिस RFLP. So you can go for RAPD, AFLP और SSR recognition जहाँ पे आप PCR amplification करवा के target करते हो. But यहाँ पे भी आप SSR में नहीं जा सकते हो. किन cases में, जब आपको क्या हो, जब आपको flanking regions के sequences अगर नहीं पता हो, the flanking region sequences are not known, तो in this scenario we cannot create a primer specific to those flanking regions. ठीक है, ये जो flanking regions होते हैं जो हमने देखा अभी यहाँ पे, इसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे डिजाइन किया है प्राइमर और ये PCR एम्पलीफिकेशन करवाया है, अगर वो फ्लैंकिंग रीजंस नहीं हमको पता है तो हम SSR भी नहीं कर सकते हैं. देन वी कैन गो टू द RAPD टेक्निक और टू द AFLP टेक्निक, जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन चेक करोगे और एम्पलीफिकेशन चेक करोगे बेस्ड अपॉन द PCR एम्पलीफिकेशन. नाउ इन द नेक्स्ट मेथड यू कैन चेक द DNA क्वालिटी. ठीक है, DNA क्वालिटी से क्या मतलब है, RFLP में क्या कर रहे हो, आप
स्पेसिफिक लोकेशंस चेक कर रहे हो दैट व्हाट आर और स्पेसिफिक लोकेशंस आर देयर. सो फॉर दैट यू नीड अ हाईली कंजर्व्ड काइंड ऑफ डीएनए जहाँ पे उसके कोई भी साइट्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हुए हो ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. सो दिस आरएफएलपी एंड दिस आरएपीडी दे विल रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी डीएनए बिकॉज यहाँ पे आपके सीक्वेंस स्पेसिफिक चीजें होती हैं. नेक्स्ट इज द PCR based. So this we have discussed that RFLP is non-PCR based and these three are PCR based. Ease of use, sorry, number of polymorphic loci analyzed. ठीक है. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कितने डिग्री तक पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट कर सकते हो. सो 1, 2, 3 बिकॉज यहाँ पे वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ PCR. बट यू सी इन दीज टू मेथड्स you can detect a higher degree of polymorphism because you are targeting the genes based upon their PCR amplification. So this is the ace of the polymorphic analysis. Next is the ease of use. Kisko process ko easy karna zyada use hai. To RFLP is a little bit difficult because yahan pe aapko DNA ki quality maintain rakhni padti hai. And also you need a higher quality, higher amount of initial DNA component. So this is another disadvantage of RFLP or aap easy method ye teeno use kar sakte ho. Next is the reproducibility. Theek hai. So RFLP, AFLP aur SSR ki reproducibility to higher extent pe hoti hai. But RAPD ki nahi hoti hai because in case of RAPD we are using random primers. तो हर एक केस में हम अलग अलग रैंडम प्राइमर्स यूज करते हैं और वो अलग अलग के एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स आपको देते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट से दैट दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड वंस अगेन बिकॉज उस टाइम आप फिर से अलग प्राइमर यूज करोगे. तो दिस आरएपीडी इज नॉन रिप्रोड्यूसिबल. डेवलपमेंटल कॉस्ट की हम बात करें तो बाकी सारे टेक्निक्स तो लो हैं बट दिस SSR माइक्रो सैटेलाइट टेक्निक इट इज अ हाई कॉस्ट टेक्निक. वाई बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लैंकिंग रीजंस के सीक्वेंस जानने होंगे टू डिजाइन द प्राइमर. सो इट विल रिक्वायर एन एडिशनल सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी स्टेप एंड दैट्स वाई इट इज वेरी कॉस्ट. सो दैट इज ऑल अबाउट द टू डेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉलिकुलर मार्कर्स. ठीक है. तो एक ब्रीफ हमने क्या देखा, हमने मॉलिकुलर मार्कर्स देखे. ट्रेडिशनल में हमने क्या देखा, हमने ट्रेडिशनल में देखा देर आर एलोएंजाइम्स एंड देन दे आर नॉन पी सी आर बेस्ड जहाँ पे हमने देखा आर एफ एल पी एंड वी हैव देयर वी एन टी आर माइक्रो सैटेलाइट. देन पी सी आर मेस्ट में हमारे पास आज हमने जो देखा वो बताती हूँ मैं, आर ए पी टी, आर एफ एल पी एंड एस एस आर, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स. सो दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन दैट आई हैव डिस्कस्ड इन टू डेज क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. फाइन. ओके एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट आपने अगर अभी तक लेट्स क्रैक CSIR UGC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. इसका लिंक आपको मिल जाएगा. और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट चैनल. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस YouTube चैनल एंड YouTube प्लेटफॉर्म, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड ज्वाइन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस की कैटेगरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी जो होती है दे विल प्रोवाइड यू विथ फ्री लाइव क्लासेस. ठीक है. यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन होगा तभी ये क्लासेस देख पाओगे. स्पेशल क्लासेस सब कोई देख सकता है, इसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए. इसके लिए सिर्फ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है एंड डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना गोल सेलेक्ट करके यू हैव टू गो टू द स्पेशल क्लास कैटेगरीज और वहाँ पे फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स के, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के. सो दिस इज अबाउट द स्पेशल क्लास. एंड अगर आपको स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो कि आप पूरे कोर्स को पढ़ो अनअकैडमी के साथ, पूरे कोर्सेज को कंप्लीट करो हमारे साथ, तो फिर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड ड्यूरिंग द सब्सक्रिप्शन टू गेट अ 10% डिस्काउंट यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज Surbhi01. ओके. चलो फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मैं नेक्स्ट क्लास में कमेंट्स देख के आती हूँ प्रीवियस क्लास का और मैं वो क्वेश्चन वहीं पे बता दूंगी. ठीक है. ओके. थैंक यू.